नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स का, और मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन द लास्ट पायरेट। पिछली बार हम लोगों ने पोकेमॉन लीग को चैलेंज किया था और चैंपियन बन गए थे। अभी हम जाएंगे सेरुलियन केव और वहां जाके कुछ और लेजेंडरी बैटल्स करेंगे। हालांकि ये वीडियो भी पिछले वीडियो जैसा ही है, पहले मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए है, उसके बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ। थोड़ा आगे पीछे हुआ तो समझ लेना कि ग्लिच नहीं है, पहले वीडियो है बाद में ऑडियो है। तो अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक ट्रेनर है जो हमने मिस कर दिया था पिछले बार, क्योंकि सर्फ मिलने के बाद सेरुलियन सिटी में आना ही नहीं हुआ था। तो अभी हम वो ट्रेनर बैटल पहले कर लेंगे, उसके बाद सेरुलियन केव जाएंगे। अब मैंने आपसे पूछा था एक कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए कल ही कि ये आपको कैसे चाहिए वीडियो, एक फुल फ्लेज्ड कंप्लीट पार्ट चाहिए, 42 मिनट्स का वीडियो है ये, 42 to 43, या आपको दो दो पार्ट में चाहिए। तो आपने नियर अबाउट सब ने नॉट थोड़े थोड़ों ने कमेंट किया, नियर अबाउट बहुत लोग 2 पार्ट्स ही बता रहे कमेंट करके। तो मैंने सोचा ठीक है 4 पार्ट कर लेते। तो ये बार पहले वाले पार्ट में हम फोकस करेंगे सिर्फ 4 लेजेंडरी ट्रेनर्स को चैलेंज करना, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ट्रेनर नहीं है। डायरेक्टली जब हम यूट्यूब के चैम्बर में जाएंगे वहाँ पे हमें 4 लेजेंडरी ट्रेनर्स के साथ बैटल करनी है। उसके बाद हमें एश कैचम को हराना है, फिर इस गेम का जो ऑथर है रॉम स्प्राइट उनको भी हराना है, फिर फाइनली हम म्यूटू को पकड़ पाएंगे। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ फोकस करूँगा वो 4 लेजेंडरी ट्रेनर्स को हराना, क्योंकि अगर उनको Elite 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो इतने भी उल्लू नहीं होंगे कि एकदम इजी पोकेमॉन यूज़ करे। तो वो डेफिनेटली बहुत टफ पोकेमॉन यूज़ करेंगे, मालूम नहीं कौन यूज़ करेंगे। टफ पोकेमॉन बोला तो एक ही नाम सामने आता है, लेजेंडरी पोकेमॉन। तो नियर अबाउट उनकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा तो लेजेंडरी पोकेमॉन से ही भरी होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं वो लेजेंडरी पोकेमॉन यूज़ करे या ना करे, हम तो वैसे भी जीतने वाले हैं। क्योंकि पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है तो मेरा पूरा फोकस उस वक्त बैटल पे था, तो इजीली जीत गया हूँ। और लकीली मैं आपको बता दूँ, जैसे कि Elite 4 का जो पार्ट हुआ था हम लोग का, मैंने उसमें भी पहले क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, फिर भी मैं 2 बार, एक बार लैंस से और एक बार लोरेलाई से हार गया था। पर इस बार मैं आपको सचमुच बता दूँ, मैंने सब बैटल एक स्लॉट में जीते, मैं एक भी बैटल बीच में भी नहीं हारा हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया, हर बैटल होने के बाद गेम को सेव किया, ऐसे क्लिप्स बनाए और डायरेक्टली सबको हिलअप बिलअप करके डायरेक्टली नेक्स्ट बैटल में जंप कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं किसको आगे रखूँ किसको ना रखूँ, जो जी में आए उसको आगे रखता था, अगर सर्वाइव हुआ तो सर्वाइव हुआ, नहीं तो नहीं। मैंने डायरेक्टली गया और डायरेक्टली मैंने बैटल्स भी चालू कर दिए थे। और ऐसा मेरे साथ इस गेम में पहली बार हुआ है कि ऐसे टफ बैटल्स में मैं लगातार जीत गया हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो वैसे हुई, मेरे बहुत रिवाइव मैक्स पोशन वगैरह उसमें यूज़ हुए, मगर एक भी बैटल हारा नहीं हूँ मैं, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। मुझे लगा था मैं एक दो बार हार जाऊँगा, मुझे टाइम, क्योंकि मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करने के लिए नियर अबाउट सुबह 8:30 बजे बैठा था, तो मुझे लगा था 10 साढ़े 10 तो ईजिली लग जाएंगे मुझे सब रिकॉर्ड करने में, क्योंकि बहुत टफ बैटल है। मगर लिटरली मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप्स रिकॉर्डिंग का काम 9:30 बजे तक ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा है, तो एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ कितने मिनट्स का हो रहा है सब मिला के। अगर वो 30-35 मिनट का हो रहा रहेगा तो एक ही एपिसोड में डाल दूंगा, अदरवाइज आपको पूछ लूँगा कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए कि 2 पार्ट डालूँ या 1 पार्ट में आपको चलेगा। तो मैंने टोटल किया तो वो नियर अबाउट 42 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ तो हो रहा था, तो नियर अबाउट 43 मिनट्स का वीडियो हो रहा था मेरा। तो मैंने आप तुरंत ऑन द स्पॉट कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट किया और डाल दिया कि वो पार्ट 42 मिनट्स का है, तो आपको 42 मिनट्स का एपिसोड चलेगा या फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अपने बहुत लोगों ने कहा कि आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, वो देखना ज़्यादा आसान रहेगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि 3 बैटल यहाँ पर लूँ और 3 बैटल सेकेंड पार्ट में लूँ, मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमें म्यूटू को भी पकड़ना है। तो इसलिए मैंने सोचा, हालांकि उसको मास्टर बॉल से पकड़ेंगे, मगर फिर भी मैंने सोच लिया फिर 4 लेजेंडरी ट्रेनर है और फिर चैंपियन ऐश है, तो इस हिसाब से इस एपिसोड में हम 4 लेजेंडरी ट्रेनर्स को हरा देंगे। तो इतना मैंने सिर्फ ध्यान में रखा है ये एपिसोड के लिए। तो फिलहाल तो मैं पहले सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं है इस गेम में। 2 फुल रिस्टोर मिले, एक मैक्स एलेक्सर मिला और एक मैक्स रिवाइव मिला है, और एक दो अल्ट्रा बॉल भी मिले हैं। तो फिलहाल तो फोकस पूरा बैटल पे करेंगे। फिलहाल तो मैं पीपी अप करके फ्लेम थ्रोर के पीपीज बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही पीपी है हमारे पास और हम लोग ने 3 फ्लेम थ्रोर बाहर यूज़ भी किए थे वो पैरासेक्ट के ऊपर, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्लेम थ्रोर की पीपी बढ़ाना अच्छा रहेगा हील करने से अच्छा, या इथर यूज़ करने से अच्छा,
फिर हम लोगों ने प्रोफेसर ओक से बात कर ली, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम ये चार लेजेंडरी ट्रेनर्स को और उसके चैंपियन को हरा देते हो तो तुम चैंपियन बनोगे पोकेमोन मास्टर्स। तो फिलहाल तो मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ मेरे प्रोग्रेस, और उसके बाद हम मेरे अगले बैटल की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा पहला लेजेंडरी ट्रेनर होगा। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं और पहले लेजेंडरी ट्रेनर को चैलेंज करते, देखते इसका नाम क्या है। तो ये फिलहाल देख रहा है कि हम चैंपियन बन गए हैं, हम भी बहुत यंग है टू बी अ चैम्पियन। ओ लेजेंडरी ट्रेनर एम क्रिस, एम क्रिस का मतलब मुझे लगता है मास्टर क्रिस रहेगा, मास्टर लेजेंडरी ट्रेनर मास्टर ऐसा कुछ तो रहेगा वो। तो फिलहाल तो वो लुगिया से शुरू कर रहा है, मगर एन मौके पे उसने स्विच कर दिया। एक्चुअली मैं स्प्लिंटर स्टॉर्म शार्ड यूज़ करने वाला था यहाँ पर, फिर मुझे डाउट आया, ये बहुत बार हो चुका है कि मैं कुछ करने जाता हूँ और ओपोनेंट के स्विच कर देते। मैंने बोला उसके अगेंस्ट क्रंच भी इफेक्टिव है तो क्रंच के साथ जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक डाउट था कि वो फ्लाइंग टाइप है और मैंने रॉक टाइप भेजा, तो एक कॉमन सेंस होगा कि वो तुरंत स्विच करके एक वाटर टाइप या ग्रास टाइप को भेज देंगे, उसके अगेंस्ट रॉक टाइप तो काम में नहीं आता। तो मैंने सोचा क्रंच यूज़ करते, अगर लक अच्छा रहा तो डिफेंस स्पेशल डिफेंस उसका लो कर सकते, नहीं रहा तो बात का बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो फोकस हमारे इस बैटल पर ही है। बहुत डिफिकल्ट था, मतलब इतना लेंदी बैटल्स नहीं हुआ जैसे कि एलिट फोर के हो रहे थे, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट ऐसे ही बैटल हुए, मगर टू बी ऑनेस्ट आइटम्स बहुत यूज़ करने पड़े बैटल के दौरान भी, बैटल के बाद भी, रिवाइव्स, मैक्स पोशन। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जितने भी पोकेमोन हैं, 6 पोकेमोन, उसमें से बहुत जन स्पीड में बहुत अच्छे, तो मैं सिर्फ रिवाइव दे देता था, मैक्स पोशन की मुझे सिर्फ कम बार यूज़ करना पड़ा था। अगर फॉर एग्जांपल एक पोकेमोन फेंट हो गया, उसको फिर मैंने रिवाइव दिया और फिर मैक्स पोशन यूज़ किया तुरंत, और फिर उसको बैटल में भेजा, ऐसा बहुत कम बार हुआ ये बैटल्स में। तो तुम्हें तुरंत रिवाइव दे के, अगर मेरा पोकेमोन जो अभी बैटल में है वो फेंट हो गया, तो मैं तुरंत स्विच करके जो रिवाइव जस्ट रिवाइव हुआ था उसको भी भेज सकता था, क्योंकि मुझे पूरा फेथ था कि मेरे पोकेमोन की स्पीड ओपोनेंट के पोकेमोन के स्पीड से बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो लेजेंडरीज यूज़ करें। मैंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, चलो डायरेक्टली घुसते। तो और लकीली मैंने सब पोकेमोन एक्सेप्ट विनसॉर, टू बी ऑनेस्ट विनसॉर की सिर्फ स्पीड अच्छी नहीं है, विनसॉर और टाइफ्लोजन, अदरवाइज मेरे ग्रेनिंजा, लाइकनरॉक, फ्लाइगॉन, इन तीनों की स्पीड तो खतरनाक है। सबसे खतरनाक तो लाइकनरॉक और ग्रेनिंजा है स्पीड में, उसके बाद फ्लाइगॉन का नंबर आता है, टाइफ्लोजन ठीक ठाक है, विनसॉर सबसे वीक है स्पीड में, मगर ठीक है, उसका एचपी स्ट्रेंथ डिफेंस बहुत अच्छा है और एचपी बहुत ज़्यादा है उसकी, इसलिए वो कम से कम एक अटैक तो सर्वाइव करता है। और अलकाजम को तो कोई हरा ही नहीं सकता स्पीड में, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के साथ टूर्नामेंट था वो पोकेमोन शोडाउन का, सर्वर में, एक सर्वर में हूँ मैं, वहाँ पर टूर्नामेंट था पोकेमोन शोडाउन पे, तब उसने हम प्रैक्टिस कर रहे थे या टूर्नामेंट का बैटल था मालूम नहीं, उसने मेरा अगेंस्ट जेराओरा यूज़ किया था क्योंकि उसका वो फेवरेट है और स्पीड कंपैरिजन में वो बहुत अच्छा है, मगर उसका बैड लक ये था कि मेरे पास अलकाज़म था और जो मेगा बॉल हुआ था तो इसके कारण वो 2 साइकिक में गया। तो बैटल होने के बाद मुझे बार बार टेक्स्ट कर रहा है, तूने कोई चीटिंग तो नहीं ना की, इतना फास्ट कैसे हो सकता है, अलकाज़म फास्ट नहीं है। मैंने कहा अलकाज़म फास्ट नहीं है जरावरा से, मगर मेगा अलकाज़म जरावरा से फास्ट है, आप चेक कर सकते हो करना है तो वही हुआ, मेगा अलकाज़म की स्पीड जरावरा से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी है, किसी ने तो यूज़ किया है जरावरा, तो मुझे आप तो पता चला ही कि इसमें भी यही काम मुझे करना पड़ेगा, अलकाज़म ही बचा सकता है। ये बैटल है या शायद नेक्स्ट वाला बैटल है मालूम नहीं, जेक्रॉन तो इजीली गया, डायनामैक्स फॉर्म उनका जाने के बाद वो इजीली सब लोग हार रहे थे। मेन प्रॉब्लम ना इस बैटल्स में, सब बैटल मतलब ये चार लेजेंडरी ट्रेनर और दो, एक रॉम स्प्राइट का और एक ऐश का बैटल, कुछ तो ग्लिच था, मुझे डायनामैक्स फॉर्म यूज़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक पहले बैटल में तो मैंने स्टार्टिंग में मेगा एवोल्यूशन यूज़ कर दिया, तो मुझे लगा था ठीक है मैंने मेगा एवोल्यूशन शायद यूज़ किया है इसलिए डायनामैक्स मुझे नहीं करने को मिल रहा है, मगर कौन से भी बैटल में भी मुझे डायनामैक्स पोकेमोन यूज़ करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ आइदर मेगा एवोल्यूशन यूज़ करो और एक जी मूव यूज़ करो। इसी बलबूते पर मैंने 6 के 6 बैटल एक स्लॉट में जीते, एक बार भी मैंने रुका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ, डायरेक्टली मैं खेल रहा था। फिर मैंने शायद एक बार, आई थिंक दूसरा या तीसरा ट्रेनर है उसके आगे जैसा लग रहा था मैं हारने वाला हूँ, मगर एन मौके पर उसने कुछ, तो साइलेमेंस वाला ट्रेनर है शायद वो, उसने गधे जैसा फ्लाइंग टाइप अटैक यूज़ करने से अच्छा मेरे विनसॉर पे रॉक टाइप से अटैक किया, रॉक टाइप मूव था कौन सा, तो
तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उसको 3 अटेम्प्ट लग रहे थे मेरे विनो सर को रेड में लाने के लिए, एकदम डाउन टू 20 to 30 HP। तो मैंने उसमें फ़ायदा लेके मेरे पूरी टीम को रिवाइव देके, मैक्स पोशन देके पूरा टकाटक तैयार कर लिया था। चांस ही नहीं मिला, मतलब इनडायरेक्टली कहने जाओ तो उसको चांस ही नहीं मिला हारने का। अगर वो कुछ फ्लाइंग टाइप अटैक या फिर ड्रैगन टाइप अटैक यूज़ करता तो शायद मेरा विनोसॉर 2 अटैक में चला जाता, तो मेरे मैक्सिमम 2 पोकेमॉन या 3 पोकेमॉन सिर्फ रिवाइव होते, ना कि सब के सब मैक्स पोशन के साथ रेडी रहते। मेरे पास सिर्फ एक विनोसॉर रह गया था और शायद 1 या 2 पोकेमॉन जिंदा थे, जो कि सैलामेंस के अगेंस्ट वीक है, सैलामेंस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इस मूव नहीं है। एक तो फ्लाइगॉन, मेगा सैलामेंस फास्ट है फ्लाइगॉन से कंपेयर करेंगे तो कॉमन सेंस है वो ड्रैगन टाइप मूव ही यूज़ करेगा, मेरा फ्लाइगॉन जाएगा। और फिर एक कौन था याद नहीं, मगर उसके पास भी स्पीड नहीं है सैलामेंस को हराने के लिए। तो मुझे मालूम था मैं तो वैसे भी हारने वाला हूँ अगर स्विच करने जाऊँगा तो, या फिर मेरा विनोसॉर मर गया फिर ये दोनों है ना हरा देंगे ऐसा। मैंने सोचा कि नहीं, मेरे स्पीड वाले पोकेमॉन सब फेंट है, तीनों के तीनों फेंट है, ग्रेनिंजा, लाइकनरॉक और एलेकजाम, तीनों के तीनों फेंट है। तो क्या हुआ वो बैटल में, कुछ वालों ने सबसे लेंदी बैटल वही था, वो सिर्फ पावर जेम यूज़ कर रहा है, मैं रिवाइव दे रहा हूँ, पावर जेम यूज़ किया मैंने, रिवाइव दिया, फिर उसने पावर जेम यूज़ किया, मेरा विनोसॉर लाल में गया, मैंने उसको मैक्स पोशन देके फुल HP कर दिया। वापस उसने वो 3 बार पावर जेम, उस पर मैंने बाकी बचे हुए 2 को रिवाइव, फिर मैक्स पोशन ऐसा पूरा कर लिया था, और इस हिसाब से मैंने बैलेंस करके एक एक करके सबको हरा दिया था। हालांकि ये बैटल इतनी जल्दी ख़त्म हुई नहीं, मगर मेरा लक ये था कि उसने फुल हील के बदले अगर फुल रिस्टोर यूज़ किया होता तो शायद ये बैटल और लंबी जा सकती थी। मगर हमने पहले ट्रेनर मास्टर क्रिस को तो हरा दिया है, तो अभी हम डायरेक्टली बढ़ेंगे हमारे सेकेंड चैलेंज की ओर। मास्टर क्रिस को तो हम हरा चुके हैं और ये है मास्टर, सॉरी, एल सैंटोस। एल का मतलब क्या, लुटेनेंट क्या, एम क्या मालूम क्या है इसका फुल फॉर्म, आपको मालूम है फुल फॉर्म कुछ, आप बता सकते हो मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सब क्लिप्स तैयार है, गेम तो फिनिश्ड है टू बी ऑनेस्ट। बताने जाओ तो ये चैलेंज के बाद कुछ नहीं है, आप सिर्फ पोकेडेक्स के ऊपर काम कर सकते हो अगर आपको वो करना पसंद है तो। मुझे तो पसंद है, मैं तो करने वाला हूँ पोकेडेक्स के ऊपर काम, पूरा पोकेडेक्स कंप्लीट करने वाला हूँ, और 2 या 3 वीडियो और बनाऊँगा, उसमें मैं डेक्स नाउ के फीचर का आपको पूरा समझा दूँगा, एक डायरेक्टली पोकेमॉन के लोकेशंस आपको बता दूँगा वो 2 पार्ट में, कि ये फॉर एग्जांपल पैलेट टाउन में आप अगर सर्फ करोगे तो ये पोकेमॉन है, ग्रास में ये पोकेमॉन है, Route 1 पे सर्फ करोगे तो ये पोकेमॉन है, ग्रास में ये पोकेमॉन है, ऐसा ये आपको सब कुछ मैं उस वीडियो में बता दूंगा। तो शायद उसको 1 या 2 पार्ट लगेंगे, हालांकि वो पार्ट्स आने में टाइम लगेगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पहले पोकेडेक्स कंप्लीट करना होगा। मेरा सिर्फ कैंटो का 90 to 95% पोकेडेक्स कंप्लीट है, मतलब सिर्फ देख के, पकड़ के नहीं, पहले पकड़े नहीं है कोई भी पोकेमॉन, सिर्फ देख के, नहीं तो आपको लगेगा यार ये तो सेव करता है बार बार, दिखा रहा है सिर्फ 44 पोकेमॉन पकड़े इसने, तो ये कैसे बोलता है 90% मेरा पोकेडेक्स कंप्लीट है। 90% देख के कंप्लीट हुआ है, पकड़ा नहीं है किसी को भी, तो इसका मतलब वो डेक्स नाउ का फीचर यूज़ करना तो आसान है। आपने देखा होगा मैंने रॉकरफ कैसे पकड़ा था, वो मैंने ऑफ स्क्रीन आपको बताया भी था, सिर्फ जाके वो डेक्स नाउ का फीचर यूज़ करके हम लोग को पकड़ना है, तो उस हिसाब से मैं जाके दनादन सब लोग को पकड़ लूँगा, फिर मेरा डेक्स नियर अबाउट कंप्लीशन पे आएगा। मेरे ख्याल से मुझे 1 हफ्ता तो लग जाएगा कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस रिकॉर्डिंग पे करता हूँ, तो मैं 1 घंटा मैक्सिमम बोलने के लिए देता हूँ। अगर वॉइस ओवर ऐसा डबल स्लॉट में काम करना है मुझे, तो पहला आधा घंटा रिकॉर्डिंग, फिर आधा घंटा वॉइस ओवर, फिर 1 घंटा मेरा एडिटिंग में चला जाता है, 2 घंटे मेरे गए, तो दोपहर के 4 से 6 का बीच में मेरा पूरा फोकस सिर्फ रिकॉर्डिंग और एडिटिंग पे रहता है। सुबह में सब वो डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाता हूँ, वो सब करता हूँ, पढ़ाई पे भी फोकस करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स आ रहे, 28th को है एग्ज़ाम, ऐसे बोल तो रहे 20th नवंबर से एग्ज़ाम है, मुझे नहीं लगता 20th नवंबर से रहेंगे, क्योंकि 20th नवंबर का सैटरडे है, फिर संडे आता है, फिर मंडे को भी पब्लिक हॉलीडे, आई थिंक गुरु नानक जयंती है, मालूम नहीं क्या है, कैलेंडर अंधेरा पड़ रहा है उसके ऊपर। अगर 30 को पब्लिक हॉलीडे है तो कन्फर्म है, तो इसका मतलब 1 दिन पेपर होगा, 2 दिन छुट्टी, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए तो ऐसा होगा नहीं, तो शायद होगे भी नहीं चालू, आइधर वो दिवाली के बाद तुरंत चालू कर देंगे 17 या 18 से, नहीं तो 23 से चालू कर देंगे, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। वैसे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, किसको घंटा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी बहुत कंटाला आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। हमारा यूजुअल शेड्यूल जून में रहता है,
हमारा अगस्त में एडमिशन प्रोसीजर हुआ था पार्ट वन का। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कॉमर्स एम कॉम कर रहा हूँ मैं, अकाउंट एडवांस अकाउंटेंसी। तो हमारा अगस्त मंथ में एडमिशन प्रोसीजर हो गया था, और फिर हमारा जून मंथ में एग्ज़ाम रहता है पहले वीक में, और बैक टू बैक चार पेपर रहते हैं, और हमारा एग्ज़ाम एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। तो इस साल कोविड के चलते एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए, तो मुझे लगा था कि शायद अक्टूबर में या फिर सितंबर में होंगे, गणपति के बाद या फिर नवरात्रि के बाद, तो वो भी अब तक हुए नहीं है। आप डायरेक्टली 20 नवंबर बता रहे हैं, आई होप 28 नवंबर को एटलीस्ट वो ले ले एग्ज़ाम, और आगे आगे गई तो और कंटाला आएगा, क्योंकि फिर पार्ट टू का प्रेशर आएगा पढ़ाई करने का, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम तो तुरंत जून में होगी अगर तब तक कोविड का वैक्सीन आ गया गलती से। क्योंकि मेरा मानना है कि नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज़ में भी दिखा रहा था जुलाई मंथ या जून मंथ तो लगेगा आने में, मगर मैं तो चाहता हूँ जल्दी आ जाए ताकि सब कॉलेजेस क्लासेस स्कूल सब चालू हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग मुझे पसंद नहीं टू बी ऑनेस्ट। वो जो समझ अगर डाउट्स आए ऑन द स्पॉट पूछ लिया, अगर क्लासरूम में रहेंगे ना तो वो अलग फीचर होता है। ऑन द स्पॉट सामने टीचर बैठा है वो तुरंत आपको समझा दिया, वो अलग बात है। ऑनलाइन आपको वो समझाएगा, मैं मुंडी हिलाएगा, हाँ समझ गया, फिर बाद में करने जाऊँगा तो वापस भूल गया, सामने कैसा टीचर रहेगा तो एक अलग बात है। तो फिलहाल तो हम लोगों ने इसको भी हरा दिया है, तो अभी डायरेक्टली हम तीसरे टर्न की तरफ बढ़ेंगे और बीच बीच में बातें भी करेंगे। ये कौन है अभी? लेजेंडरी ट्रेनर तारिक। ओके, लेजेंडरी ट्रेनर तारिक। ओह, लाठियास यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आता। मैंने आज तक मेरे लाइफ में कभी भी ऑनलाइन जूम कॉल के ज़रिए कभी भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि मैंने ऑनलाइन लेक्चर लिए भी और ऑनलाइन लेक्चर दिए भी, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों को प्रोफेसर बनना है तो कुछ तो करना है, मगर वो ऑनलाइन का ना मुझे पसंद नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो सामने बैठ के मस्त रट्टा रट फटके मारे और सिखा दिया बच्चों को तो वो ज़्यादा पसंद आता है, मगर ठीक है बे, क्या सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। मगर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर एग्ज़ाम सचमुच बैक टू बैक पेपर हुए चार तो ठीक है, अगर गैप हुआ एक एक दिन का, मेरे चार सब्जेक्ट है मतलब चार पेपर है, तो बैक टू बैक चार पेपर हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो चार दिन थोड़ा शेड्यूल टाइट रहेगा मेरा, तो मेरे वीडियो आएंगे नहीं आएंगे वो तो मुझे मालूम नहीं। लेट्स प्ले के तो वीडियो आएंगे, क्योंकि मैं उस हिसाब से पहले ही रिकॉर्डिंग करके रखूँगा, उस हिसाब से मैं खेलूँगा उस दिन। शायद मैं सोच रहा हूँ कि जानबूझ के वो पोकेमॉन जिया के पार्ट उस वक्त डालूँ, क्योंकि रॉमैक शोकेस तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। रॉमैक शोकेस के लिए भी मुझे नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटा चला जाता है रिकॉर्डिंग एडिटिंग में, तो मैं उतना टाइम तो उसमें नहीं दे सकता अगर बैक टू बैक पेपर रहेंगे तो। एक दिन का गैप रहेगा तो जिस दिन मुझे छुट्टी रहेगी उस दिन मैं रॉमैक शोकेस का वीडियो डालूंगा, और बचे हुए दिन जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन सिर्फ मैं अपना लेट्स प्ले का वीडियो डालूंगा। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन तो दो वीडियो आएंगे, सुबह अपना एक लेट्स प्ले का वीडियो और शाम को रॉमैक शोकेस का वीडियो, देखते हैं क्या होता है। चाहता हूँ मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम वगैरह, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने कहा है कि दो पार्ट में करो, तो ये पार्ट तो आज आया, 3 तारीख है आज, 3 नवंबर, अगला वाला पार्ट आएगा 4 नवंबर को, तो मुझे टेक्स्ट कंप्लीट करने में आगे, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं एक हफ्ता लूँगा तो ज़्यादा भी लग सकता है, अगर गलती से एग्ज़ाम उन्होंने प्रीपोन्ड कर दी, जल्दी लाई एग्ज़ाम, आ जाओ चलो 9 तारीख से आप लोगों की एग्ज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। मेरे इधर मेरे यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी हो सकता है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरे यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम कभी भी पोस्टपोन या प्रीपोन्ड हो सकती है। तो पहले हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम 19 सितंबर से चालू करने वाले थे, फिर वो उठाकर 12 अक्टूबर पर गए, अभी डायरेक्टली 28 नवंबर, मतलब आप देख सकते हो कैसे जंप मार रहे हैं वो, तो वो प्रीपोन्ड भी हो सकती है, मालूम नहीं मुझे। प्रीपोन्ड हुई तो अच्छी बात है, तुरंत हो जाएगी एग्ज़ाम दिवाली से पहले ही, दिवाली एकदम टेंशन फ्री एंजॉय कर सकता हूँ। वैसे भी मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, टेंशन देने का काम करता हूँ मैं, टेंशन लेना मुझे, टेंशन क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस, वो मुझे कंसेप्ट पसंद ही नहीं है। स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, फैमिली मेम्बर से दोस्त है बातें करो, इधर उधर की बातें करो, स्ट्रेस अपने आप रिलीफ हो जाएगा,
या फिर मैं जो करता हूँ वो आप कर सकते हो। बेस्ट वे, गेम खेलो। घर वाले बोलेंगे क्या टाइम पास कर रहा है गेम खेल के। टाइम पास नहीं करो, मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है गेम खेल के। मैं आइदर गेम खेलता हूँ, पोकेमॉन के गेम नहीं खेलता मैं कॉम्पिटिटिव गेम खेलता हूँ, रेसिंग के हो गए, अभी पबजी तो बैन है, कॉल ऑफ ड्यूटी कभी कभार खेल रहता हूँ, तो वो ऐसे कॉम्पिटिटिव गेम खेलता हूँ। उसमें ऐसा खून खौल उठता है अगर हारने आए तो। या फिर बेस्ट वे, एनिमे के एपिसोड देखते बैठता हूँ ऐप पे, ऑनलाइन जाके एनिमे एपिसोड देख लेता हूँ, नहीं तो फिर कॉमेडी पिक्चर्स वगैरह टीवी पे देख लेता हूँ। बराबर स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है मेरा, मुझे कभी स्ट्रेस आता नहीं इतना। मुझे आई थिंक सिर्फ 10th में एक बार स्ट्रेस आया था, मगर उस वक्त भी मुझे मेरे दोस्तों ने और मेरे फैमिली वालों ने बोला कि कुछ टेंशन है तो बात करो, हमसे बात करो, हम गाइडेंस देंगे प्रॉपर, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालूम है इम्पोर्टेंट ये ईयर है, 10th स्टैंडर्ड, 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम होते, वो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस मत तो बात करो। और मुझे डाउट था मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में, हमें बेस्ट ऑफ 5 था, तो 7 या 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से बेस्ट ऑफ 5 मतलब एक या दो सब्जेक्ट आप निगलेक्ट करो, उसमें कम मार्क्स आए तो भी चलेगा, तो मैं वो कौन सा डालूँ, उस वो प्रॉब्लम था मुझे, उसके कारण मुझे स्ट्रेस आ रहा था। क्योंकि लैंग्वेज को बेस्ट ऑफ बॉयकॉट आप नहीं कर सकते, लैंग्वेज कंपल्शन था, तीनों लैंग्वेज, फर्स्ट सेकेंडरी प्राइमरी और थर्ड टर्शरी, सब लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट थे। मगर फिर भी मैं बोल लिया कि ऐसा ऐसा है तो क्या करूँ मैं। सब लोगों ने कहा तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या पसंद नहीं है, उस हिसाब से एक सब्जेक्ट ऑप्शन में डाल दे। मैंने पूरा एनालाइज किया, मेरा खुद का स्टडी, खुद के रिजल्ट्स देखे पास्ट के, और फिर मैंने सोच लिया कि यस ये सब्जेक्ट मैं ऑप्शन में डाल देता हूँ, और फिर मैंने वो सब्जेक्ट ऑप्शन में डाल दिया, और फिर मेरा टेंशन फ्री। एक ही बार ऐसा टेंशन आया था, बाकी मुझे अब तक कभी टेंशन आया नहीं, मैंने सिर्फ टेंशन देने का काम किया। तो फिलहाल तो अपने एक तारीख को भी हरा दिया है, देखते अभी फ़िलहाल तो पहले सेव करता हूँ, वो चांसेस शायद ना हील करने के लिए है, मगर वो चौथा बैटल होने के बाद ही हील कर सकते, फ़िलहाल तो सेव करते और आगे बढ़ते। चलिए फिर, अभी लास्ट लेजेंडरी ट्रेनर और आज के एपिसोड का भी लास्ट बैटल, ADC, अरे जैस यूज़ कर रहा है, टॉक्सिक। ये एक्चुअली बैटल ना मुझे क्या बोलते हो उसको, कंप्लीटली रॉन्ग लगा मुझे। ये आइस टाइप है रेजाइस, तुम्हारे सामने ग्रास टाइप है, तो तुम आइस टाइप मूव यूज़ करोगे या हाइपर बीम के साथ जाओगे, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करो क्या। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं मैक्स पोशन दे के विनोसर को ज़िंदा रखता हूँ, अगर गलती से उसने हाइपर बीम वगैरह यूज़ किया वापस तो मेरा विनोसर जा सकता है, तो मैं सिर्फ रॉक स्मैश के ज़रिए उसके डिफेंस कम करता गया, फिर उससे उसने हाइपर बीम यूज़ किया, और जिसके कारण मैं वापस हाफ HP हो गया, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो टॉक्सिक का जो असर था, जो मैंने एन मौके पे एपिसोड रिकॉर्ड करने के स्टार्ट करने से पहले मैंने वो कर दिया था काम, कि मैंने पॉइजन पाउडर, मैं सिर्फ ऐसा देख रहा था कि कौन से मूव हम नए सिखा सकते हैं पोकेमोन को। फिर मैंने देखा यार अलाकजम के पास टेलीपोर्ट भी है, फ्लैश भी है, अभी इन बैटल टेलीपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लाई अभी ऑलरेडी मिल चुका है तो टेलीपोर्ट की तो ज़रूरत नहीं, तो फिर मैंने टेलीपोर्ट को हटाना समझा। फिर मैं एक्चुअली उसको एक घोस्ट टाइप मूव सिखाना चाहता था, मगर घोस्ट टाइप TM नहीं है मेरे पास, तो मैं वो TM शॉप में गया हमारे सेलाडॉन गेम कॉर्नर के इधर, तो सिर्फ शैडो क्लॉ एक ही TM जो घोस्ट टाइप है और मुझे पसंद है टू बी ऑनेस्ट, तो आप कहो कि नहीं बाकी के भी है वो ट्राई करो, मुझे सिर्फ शैडो क्लॉ पसंद है, शैडो बॉल तो नहीं था उधर, मगर एलेकजम अनेबल था शैडो बॉल ए शैडो क्लॉ, तो मैंने सोचा फिर क्या सिखाऊँ। फिर मैंने सोचा कि हम एक स्ट्रांग मूव देते हैं एनर्जी बॉल, अगर गलती से वाटर टाइप पोकेमोन आया और विनोसॉर फेंट हो गया उसके आइस टाइप मूव से वगैरह, या फिर पहले से उसकी HP कम रहेगी तो उसके वाटर टाइप अटैक में भी विनोसॉर मर सकता है, तो बैकअप के लिए हमारा एलेकजम के पास एनर्जी बॉल रहेगा तो बहुत काम में आएगा, और ये मुझे सचमुच काम में आया टू बी ऑनेस्ट। ऐश के साथ और रॉम स्प्राइट के साथ बैटल करने के वक्त वो एनर्जी बॉल मुझे काम में आया, तो मैंने उसको टेलीपोर्ट के बदले में एनर्जी बॉल सिखा दिया। फिर मैंने सोचा कि और कुछ तो मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि और थोड़ा वर्सेटाइल रखना ज़रूरी है मूव्स को, तो मैंने सोचा कि पॉइजन पाउडर मैंने जानबूझ के रखा था लेजेंडरी हंटिंग के लिए, अगर
जो स्टार्टिंग वाले ट्रब और भोल वगैरह थे उसके लिए मैंने वो पॉइजन पाउडर एक्चुअली रखा था, क्योंकि तब हमारे पोकेमोन 40-50 तक जाते थे और फिर अपोनेंट जो अल्ट्रा वर्महोल में से पोकेमोन 25-30 लेवल तक के आते थे, तो मैंने सोचा कि पॉइजन पाउडर तब रखता हूँ। अभी मैंने सोचा कि अभी बैडली पॉइजन रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने पॉइजन पाउडर निकाल दिया और उसके बदले में मैंने उसको टॉक्सिक सिखा दिया। और ये बार बार स्विच कर रहा था रेजीरॉक और रेजिस्टील में, हालांकि एनर्जी बॉल ने उसको कुछ इतना डैमेज दिया नहीं, और फिर जो मुझे लगा कि वो स्विच करेगा मगर फिर भी मैंने रिस्क लेके साइकिक यूज़ किया, उसने स्विच किया ही नहीं और साइकिक में वो रेजिस्टील चला गया। अब एंटे का पूरा लक था किसको चूज़ करो, लाइकन रॉक या फ्लाइगॉन। मैंने लाइकन रॉक को चूज़ किया जानबूझ के क्योंकि वो स्पीडी पोकेमोन है, मगर एंटे ने उसका पहले मूव से मुझे धराशायी कर दिया। हालांकि मैं सिर्फ स्टोन एज यूज़ करने वाला था, स्प्लिंटर स्टॉर्म शार्ड नहीं यूज़ करने वाला था, मगर उसने एक्सट्रीम स्पीड यूज़ करके मुझे डैमेज दिया। मैं सिर्फ स्टोन एज यूज़ करने वाला था कि अगर स्टोन एज में नहीं गया फिर मिस हो गया तो मैं स्प्लिंटर स्टॉर्म शार्ड के साथ जाऊँगा, और वही हुआ, वो फेंट हुआ नहीं स्टोन एज में। हालांकि हिट तो हुआ था, क्रिटिकल हिट बैठता शायद तो शायद वो मर सकता था, मगर नहीं फेंट हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर उसको मैं स्टोन एज के साथ लाल मिला के रख सकता हूँ तो शायद स्प्लिंटर स्टॉर्म शार्ड जी मूव के साथ वो डेफिनेटली फेंट होगा, और वही हुआ, वो फेंट हो गया। उसके बाद फिर से रेजीरॉक था, तो मैंने सोचा स्विच नहीं करते क्योंकि वो भी स्विच करेगा। हमारे पास ब्रिक ब्रेक था तो मैंने ब्रिक ब्रेक का यूज़ किया, मगर वो लाल एचपी और वो सर्वाइव हो गया और वो सुपर पावर के साथ मेरे लाइकन रॉक को खा गया। अभी सिर्फ दो ही पोकेमोन थे मेरे पास, एक तो अपना एलेकजाम और दूसरा है फ्लाइगॉन। मैं सोचा रिवाइव करूँ कि नहीं, मगर नहीं, उसके फुल रिस्टोर तो ऑलरेडी यूज्ड अप था, तो एनर्जी बॉल के साथ रेजीरॉक तो गया। क्रिसेलिया था और क्रिसेलिया का एकदम झोल हुआ, उसने यूज़ किया फुल हील। अगर मैं रहता या फिर आप भी रहते तो आप फुल रिस्टोर यूज़ करते, अगर उसने यूज़ किया फुल हील और एक ही फुल रिस्टोर शायद उसके पास से एक या दो, उसने वो रेजी गिगास के लिए संभाल के रखे थे। शायद ये सबसे बड़ी गलती उसने ये बैटल में कर दी ये ट्रेनर ने। हालांकि उसका रेजी गिगास डायनामैक्स था, मगर फिर भी आप ये सोच सकते हो ना कि आपका पोकेमोन लाल एचपी में है, टॉक्सिक से पॉइजन है, तो कॉमन सेंस, आप फुल हील यूज़ करोगे तो एक अटैक में ओपोनेंट के एक अटैक में वो तो जाने वाला है। इससे अच्छा आप बोलोगे यार फुल हील से अच्छा रेजी गिगास के लिए 2 फुल रिस्टोर्स रखने से अच्छा एक फुल रिस्टोर यहाँ पे रख दूँ, शायद नज़ारा कुछ और होता बैटल का। अभी आप देख सकते हो सिर्फ फ्लाइगॉन जिंदा बचा है, सब मर चुके थे, मगर मैंने फिर भी होप नहीं छोड़ा क्योंकि टॉक्सिक का मेरे मन में ख्याल था कि मैं टॉक्सिक यूज़ करूँ। फिर मेन तो सर्वाइव क्या करना था, उसका डायनामिक्स फॉर्म, एक बार उसका डायनामिक्स फॉर्म चला गया फिर उसको हराना बहुत इजी होगा। ये क्या चिल्ला रहे बाहर, एडवर्टीजमेंट, ओके। स्लो स्टार्ट, आइए उसका कुछ एबिलिटी था स्लो स्टार्ट, वो टुगेदर हो गया इसके कारण अभी वो थोड़ा फास्ट हो गया हमसे, और मुझे लगा नहीं विनसर नहीं हरा पाएगा एक उसके हेवी स्लैम में, तो मैंने अपने लाइकन रॉक को तैयार रखा था क्योंकि अभी उसने फुल रिस्टोर एक बार भी यूज़ नहीं किया, तो मुझे लगा अभी वो एक अटैक में जा सकता है। हालांकि मैं सर्वाइव हो गया, तो मैं सोच रहा था शायद अगर मैं यूज़ ना करता फुल रिस्टोर मैं रिवाइव होता तो शायद मैं बैटल पहले ही जीत लेता, मगर क्या चिल्ला रहे भाई साहब। ब्रिक ब्रेक ही अच्छा मूव था, हरा दिया एकदम ईजिली, और ये बैटल इसके साथ से ख़त्म। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा। अगर ऐश और रॉम स्प्राइड के बैटल के बारे में कुछ भी मालूम है तो कमेंट करके बता देना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।